हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज बनाते हैं हरी मिर्ची, टमाटर और उसके साथ थोड़ा सा दही और बेसन मिक्स करते हैं। जो मिर्ची ज़्यादा चरचरी लगती है ना, उसके साथ यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन आएगा। वो चरचराहट कम हो जाएगी बेसन और दही के यूज़ करने से। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने मिर्च और टमाटर को धो लिया और इन्हें अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। पानी सूख जाए इसलिए इनको एक कपड़े से साफ़ कर ले। साफ हो चुके हैं ये, तो अब काटना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूजुअली ऐसे ही कट करती हूँ। इससे हाथों में मिर्ची थोड़ी कम लगती है क्योंकि टच नहीं करती, तो इसलिए बच जाती हूँ मिर्ची लगने से। तो आप जिस तरीके से चाहे वैसे कट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप में कट करनी है आपको, जिसमें आपको बेटर लगे उस तरीके से काट लीजिए इनको पहले। ये मिर्ची कट चुकी है मेरी, उसके बाद आती है टमाटर की बारी। तो टमाटर को भी मीडियम से स्लाइस में काट लेना है, ज़्यादा छोटे भी नहीं ज़्यादा बड़े भी नहीं। जो तुम्हें सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग अपने टमाटर को भी काट लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें कट हो चुकी है, अब करते हैं इनको छोंकने की तैयारी। ओके, तो सबसे पहले देखिए, मैंने कढ़ाई को रख दिया है, उसके अंदर थोड़ा पानी था उसको मैंने सुखा लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया है तेल, 1.5 से 2 स्पून, ये जो दिख रही है आपको स्पून, ये स्पून डाली है। ओके, तो तेल गरम होने के बाद सबसे पहले हम लेते हैं जीरा, थोड़ा इसमें जीरा डाल देते हैं। फिर उसके बाद हरी मिर्ची और उसके बाद डाल देते हैं टमाटर। इनको थोड़ा सा
पकने देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। ये ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगता है। आप देखो, अब डालते सबसे पहले थोड़ी हल्दी, उसके बाद नमक डालेंगे, उसके बाद ये देखो मैंने बेसन डाला है। ये छोटी वाली स्पून है, 1.5 से 2 स्पून ले सकते हो आप। फिर इसके बाद डालते हैं इसमें दही। दही भी आप उसी अकॉर्डिंग डाल दीजिए जितना आपने बेसन डाला है, उसी के हिसाब से दही भी डाल दो। फिर इनको कर दो अच्छे से मिक्स। गैस का फ्लेम लो करना है, वरना ये जो मसाला बनाए ये ज़्यादा लग जाएगा नीचे। थोड़ा बहुत तो लगेगा, पर अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा नीचे, इसलिए लो फ्लेम में बनने दो इनको। ये देखो, और थोड़ा तो मेरा भी लग चुका है नीचे, पर इतना तो कोई नहीं, इससे अलग ही टेस्ट आता है। और मिर्ची भी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि दही बेसन डाल देते हैं इस वजह से। तो पकने दो इनको कुछ देर। अब इसको ढक के रख देते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि हाँ ये बन चुकी है। अब इनको किसी कटोरी वगैरह में निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत टेस्टी है भी खाने में। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, तब तक बाय।